एक बात पर आप ध्यान रखेंगे, जो मैं 80 बरस का आदमी हूं, अब 80 बरस में हम क्या गा सकते हैं, वही उतनी तो गाएंगे। अब जो हम दो रचना आपको सुनाएंगे, हमने हमारे हाथ से एक कार्य और हुआ है। तुलसीकृत रामायण के सातों कांड को हमने ध्रुवत धमार की रचनाओं में बांधा है। सातों कांड से, बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक ध्रुवत धमार की रचनाओं में, चौपाई नहीं है, काव्य भी अपना ही है, स्वर ताल भी भिन्न विभिन्न रागों में 500 रचनाएं हैं उसमें। उसमें से मैं आपको दो रचनाएं सुनाऊंगा उस समय का, जब भगवान राम गंगा बन जाते हैं, गंगा के तट पर जाते हैं, उस केवट से कहते हैं, भाई नाव ले आकर के हमें गंगा के उस पार कर दो। उस समय की रचना है जब भगवान नाव मांगते हैं और वो नकारात्मक उत्तर देता है, जो मैं नाव नहीं ले आऊंगा, तब तक नहीं ले आऊंगा जब तक आपका पैर नहीं पखा लूंगा, क्योंकि आपके पैर में ये गुण है, तो जिस लकड़ी में और जिस पत्थर में वो धूल लगती है, तो मुंड की नारी बन के उड़ जाती है। उसी समय की रचना है। राग है चारुकेशी, Amen.
Yeah.